So, hey guys, welcome to the new video. Hope you all are doing well right now. तो आज चक्रधारी दलाल अच्छा बात नहीं मिल चुका है मेरे को, इसको भी रोस्ट करवाएंगे दिन। अभी पवन की बारी है, पवन को रोस्ट करने के बाद किसी की बारी है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में कितने सारे दलाल है। अभी 5 दलालों के नाम पता चल चुके हैं, आपको लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगा और इनकी दलाली के भी विशेषज्ञ रूप में क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी आपको मैं डायरेक्ट करूंगा। और कॉन्टेक्ट करने के लिए आप मेरे को इंस्टा पे DM कीजिए 02 आदर्श करके, वहां मैं आपको बताऊंगा कि छिनाली पंती कैसे होती है, ये दलाल कितने अपने काम में मशगूल होते हैं और एक साइड बिजनेस भी रहता है इन दलालों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें बताना चाहता हूँ इन दलालों का ये विशेष रूप से कार्य रहता है, ये दलाली में छिनाली पंती करते हैं और कम रेट में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट आपको DM में पता चलेगा, बाकी आप रसियन का चोखा वाला सिर जान सकते हैं, एक चोखा भाई साहब है उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। अभी पहले इन दोनों का अभी मैं चीर फाड़ कर लूं, चीर हरण कर लूं बातों से, उसके बाद जब होगा चोखा भाई साहब का। अरे गाड़ी तेज चलाओ। हाँ तो आगे मिलते हैं, प्रांगण को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। नई वीडियो आउट होगी दलाली के ऊपर, आपको मैं बताता हूँ सीन, और अभी फिलहाल के लिए स्टे ट्यून। तो दलालों के साथ मैं मिल चुका हूँ, पवन दलाल। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। इसका जल्दी ही वीडियो आने वाला है आपका, मैं बताऊंगा। दोनों दलालों को एक वीडियो में समेट चुका हूँ मैं, इतना टैलेंट है आपको पता है कि कितना मैं कितने सारे दलालों से अभी कॉन्टेक्ट में। 5 दलाल, अभी 2 दलाल अभी टच में आए हैं और उसको मैं बताता हूँ कि पवन कैसी दलाली कर सकता है जो छिनाली पंती उसमें कम हो, और उधर से नहीं पता कौन आएगा इसकी चाहत जो भी है। और ये तो फूल वाला फूल पता ही पहन के दलाल छिनाली करने आया है बैगुनपुर में, मेरा समय व्यर्थ कर रहा है। इस समय न जाने मैं क्या क्या कर सकता था, कितने रसियंस मेरे दोस्त बन सकती थी, पर मैं अपना बहुमूल्य समय इस दलाल के पीछे भटकाने आया हूँ। चल भाई पीछे बैठ। कहाँ समझ रखा है हमको? चल चल जल्दी रूम लेके जा रहा हूँ तेरे को। अरे जाएगा उसका मन है, उसका मन है पर वो जाना नहीं चाहता, आप लोग को देख के उसका मन है। Meanwhile पानी आ रहा है एक्स्ट्रा क्लिप के लिए, मैं पवन दलाल को रखा हुआ हूँ साथ में, वो कुछ नहीं कहेगा फिलहाल मेरी वीडियो में। उसका एक ही है जिल्लत खाना और इसको मैं डे बाई डे 5 दिन लगातार तक ठोकूंगा अपने चैनल पे, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा। कुछ करेगा तू? और वो वायर लेके रखा हुआ है मेरे लिए, अभी मेरा एक्सलेटर वायर जाम हो चुका है, कंटेंट नहीं मिलने की वजह से काफी ज्यादा बकवास हो रहा है इस चैनल पे। पर कुछ दिन बाद अच्छे खासे कंटेंट की बारिश हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे जितने दलाल फ्रेंड है सबको छोड़ूंगा, बाकी वीडियो पे बने रहे। वाह क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो गाइस मैं पवन के पास आया था और मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में। बाबू पवन का औजार कैसा बताऊ तो? छोटा सा। अच्छा? हाँ बहुत छोटा यार। बाबू ये पवन का है, इतना शरमा रहा है देखो तो। इसका छोटा औजार है ना इसलिए शरमा रहा है। अच्छा। क्या करे यार, छोटा सा बाबू है इसका। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। तो 2 दलाल मेरे पास अभी मिले हैं, इनका कहना ये है कि कुछ तो होगा ओनली 1500 में। तो इनकी मैं छिनाली पंती कब से देख रहा हूँ, ये दिमाग चाट के रखा सुबह से, करना करना कुछ नहीं, बस यहाँ फुल्की खवा रहा है मेरे को, ये गाड़ी बनवाने नहीं दे रहा है मेरे को दलाली, छिनाली पंती में उतर गया इतना ज्यादा फुल्की खिला रहा है मेरे को। चक्रधारी महाराज उर्फ बिग दलाल, इतना सबर देख रहे हो, ये छुपा रहा है, अरे दिखाइए ना जी। क्यों छुपा रहे अपना चेहरा दलाल? मैं कहना चाहता हूँ पवन को कुछ चक्रधारी से सीखे, क्योंकि दलाली का स्तर उसके दिमाग से एकदम ऊंचा हो चुका है, वो अच्छा छिनाली पंती करता है और कुछ ही देर बाद वो नहीं पता कहाँ होगा, 1500 वन शॉट वाले क्राइटेरिया को फिर से पकड़ेगा, क्योंकि जब वो लड़की वाले आवाज में निकालता था शुद्ध स्वर 1500 का डिमांड करता था, देखते हैं उसका स्वर रिवर्स गियर जाता या नहीं। बाकी प्रांगण में बने रहे और दूसरा दलाल वो छुपा रहा है क्योंकि इसका मुंह काला हो गया। स्टे ट्यून्ड।